वही अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ रही तपन से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। बीते 2 से 3 दिनों की अगर बात करें तो राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस कदर लोगों को परेशान कर रही है। आम जनता सुबह के वक्त से ही सड़कों पर छाता लेकर गर्मी के थपेड़ों से अपना बचाव कर रही है, साथ ही जूस कॉर्नर पर भी भीड़ लगातार जुट रही है। कुल मिलाकर कहे तो आम जनता फिलहाल बारिश की उम्मीद लगाई बैठी है, जो कि मैदानी इलाकों में अब तक देखने को नहीं मिली है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मौसम की बात करता हूं, 20 तारीख आपकी है और जैसे बोला भी गया था कि 3-4 दिन पीछे हमने बोला था कि मैदान क्षेत्र है उसमें कहीं कहीं आपको जो हीट वेव कंडीशन वो देखने को मिलेगी। हालांकि पहाड़ों के लिए भी ये भी बोला था कि बारिश भी थोड़ी बहुत मिलेगी 18-19 में, तो वो भी एक्टिविटी रही है अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की मध्यम तक की बारिश जो है पिछले 24 आवर्स में कुछ जगहों में मिली है। लेकिन मैदान क्षेत्र है तो वहाँ पर टेम्परेचर हल्का फुल्का कम भी हुआ है। हमने बोला था कि 20 के बाद चीज़ें फिर थोड़ा इम्प्रूव होंगी, लेकिन 3-4 दिन पर अभी जो पीछे गए उसमें तो जो है टेम्परेचर ज़्यादा थे और हीटवेव कंडीशन भी प्लेन्स में खासकर एकाधिका जगहों में वो रही है। आगे बात करें आज से जो है तो जो हीट वेव के लिए अगर देखें तो जो टेम्परेचर है ग्रेजुअली थोड़े कम होंगे, क्योंकि लोअर लेवल्स में जो ईस्टर्न इवेंट्स है वो प्रिवेल करेंगी, उसकी वजह से मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा। हालांकि डिस्कम्फर्ट तो रहेगा क्योंकि मॉइस्चर लेवल बढ़ता है और टेम्परेचर भी हायर साइड पर ही है, तो उससे अनकम्फर्टेबल तो आपको लगेगा। लेकिन ये कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो वो जो है थोड़े कम होने शुरू हो जाएंगे अब, और मैं समझता हूँ जो हीट वेव क्राइटेरिया है वो फिर फुलफिल नहीं होगा, तो हीट वेव कंडीशन कल के बाद से मैं समझता हूँ वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। पहाड़ों में आगे बात करें तो 4 से 5 दिन मौसम में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी है नहीं, करीब करीब साफ रहने वाला, छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि आफ्टरनून में जो है जो एक तरह से लोकल वेदर भी रहता है तो ठीक है। जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करते हैं तो इक्का दुक्का जब हमें हल्की बारिश या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वहाँ देखने को मिल सकती है आफ्टरनून में, आगे 4 से 5 दिन की अगर मैं बात करूँ। बाकी जगह तो मौसम की एक्टिविटी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मौसम तो ठीक ही है परंतु यही है कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं यात्रा स्थानों में तो इस समय काफ़ी रश है, तो थोड़ा तैयारी से और थोड़े धैर्य से चीज़ों को करें जिससे कि कोई दिक्कत वाली बात ना रहे। मौसम की बात करता हूं, 20 तारीख आपकी